Hi everyone, I hope you all are doing great. Today I'm sharing very interesting recipe which is whole wheat pizza. I think pizza to sabko bahut pasand hota hai, especially bachchon ko. So be on a healthier side, main pizza base bana rahi hoon gehun ke aate se and trust me guys, it comes out so delicious and bahut hi easy recipe hai. You can easily prepare within an hour. So now let's get started. सबसे पहले पिज्ज़ा बेस के लिए हमें डो प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल में लिए 2 कप गेहूं का आटा, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट और एज पर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 2 to 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल एंड 1/2 कप दही. सभी इंग्रेडिएंट्स को नाइसली मिक्स करके थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके हमें एक सॉफ्ट डो प्रिपेयर करना है. सॉफ्ट डो लगाने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर हमें इसे रेस्ट देना है. यहाँ पर डो को रेस्ट देना बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं लाइक बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड दही, वो सब आपस में रिएक्ट करेंगे और इससे जो हमने पिज्जा बेस बनाना है वो काफी सॉफ्ट एंड फ्लफी बनेगा. 25 से 30 मिनट डो को रेस्ट देने के बाद अब इसे हम हल्का सा एक बार फिर से नीड कर लेंगे, देन इसे डिवाइड कर लेंगे 4 पार्ट्स में. मैं पिज्जा नॉर्मल साइज के बना रही हूँ तो मैंने जो ये डो था उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया. आप इसे छोटा या बड़ा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे भी बना सकते हैं और कोई भी शेप आप इसे दे सकते हैं. बॉल्स प्रिपेयर करने के बाद अब हमें पिज्जा बेस को रोल आउट करना है, तो यहाँ पर जैसे नॉर्मल चपाती को हम बेलते हैं वैसे इसे बेल लेंगे. आप चाहें तो हाथों से भी बेल सकते हैं. और पिज्जा बेस को हमें यहाँ पर थिक रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना, आप वीडियो में देख सकते हैं. और अब एक फोक की हेल्प से हम इस पर होल्ड कर लेंगे लाइक दिस, ताकि जब हम पिज्जा बेस को कुक करें तो उसमें एरेशन ना हो, वो फूले ना, क्योंकि हमें एक ब्रेड वाला टेक्सचर चाहिए. और अब पिज्जा बेस की बैक साइड पर ब्रश से अच्छे से वाटर अप्लाई कर देंगे और अब एक प्री हीटेड पैन में पिज्जा बेस को कुक कर लेंगे. जिस साइड हमने वाटर अप्लाई किया है वो साइड को हम पैन के ऊपर डालेंगे. पिज्जा बेस को पैन में डालने के बाद 1 to 2 टेबलस्पून पैन में स्प्रिंकल कर देंगे वाटर और उसे लिड से कवर करके हमें इसे हाफ डन करना है. पिज्जा बेस को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है और एक साइड से कुक होने के बाद इसे फ्लिप करके दूसरी साइड से भी हाफ डन कर लेंगे. इस स्टेज पर पिज्जा बेस को हमें कम्प्लीटली कुक नहीं करना और हाफ डन होने के बाद ऐसे ही बाकी के सभी बेस भी प्रिपेयर कर लेंगे. होल व्हीट पिज्जा बेस बनकर रेडी है और अब हम देख लेते हैं वेजेस एंड चीज के साथ पिज्जा को कैसे असेंबल करना है. तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बॉल में लिए कुछ पनीर के क्यूब्स और उन पर स्प्रिंकल किया कश्मीरी रेड चिली पाउडर. यहाँ पर हमें पनीर को कश्मीरी रेड चिली पाउडर से कोट करना है और कोट करने के बाद इसे साइड में रखेंगे, इसका यूज हम बाद में करेंगे. और अब यहाँ पर एक पिज्जा बेस लेंगे और उस पर स्प्रेड करेंगे 1 टेबल स्पून पिज्जा सॉस. आप किसी भी ब्रांड की पिज्जा सॉस यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो. पिज्जा सॉस स्प्रेड करने के बाद इसे लेयर करेंगे डाइस मोज़रेला चीज से. मैं यहाँ पर डाइस मोज़रेला चीज यूज कर रही हूँ. आप चाहें तो ग्रेटेड मोज़रेला चीज भी यूज कर सकते हैं, बट जो चीज पुल है वो डाइस मोज़रेला चीज से बहुत ही अच्छा आता है. देन आप इस पर अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं लाइक आई एम एडिंग रेड येलो बेल पेपर्स, कैप्सिकम, अनियंस, ऑलिव्स, एलापिनोस एंड रेड चिली कोटेड पनीर. यू कैन ऑल्सो यूज स्वीट कॉर्न्स, बेबी कॉर्न्स, मशरूम, टमाटोज, एनीथिंग दैट यू लाइक टू हैव. देन इसे मैंने फिर से लेयर किया ग्रेटेड मोज़रेला चीज से एंड स्प्रिंकल किया सम चिली फ्लेक्स एंड पिज्जा सीजनिंग. अभी से ही ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है. मैं इसे बेक करूंगी पैन में. पैन को मैंने यहाँ पर 2 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया. पिज्जा को स्टैंड के ऊपर प्लेस करके लिड से कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर चीज मेल्ट होने तक हमें बेक करना है. आप चाहे तो इसे ओटीजी में भी बेक कर सकते हैं. मैं इसे पैन में कर रही हूँ ताकि जिसके पास ओटीजी या माइक्रोवेव नहीं है तो वो भी इजीली इसे घर पर प्रिपेयर कर सके. After baking whole wheat and super tasty pizza is done. Just look at the color and texture. It looks so tempting.
if you are a health conscious person, then you should definitely try this recipe. It comes out so amazing. And also prepare these pizzas for your kids. They just love it. Let's give it a try at your place and let me know in comment section if you recreate this recipe and share it with your family and friends jinhe ye recipe ko try karna chahiye. And don't forget to like, share and subscribe for more.